हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और आज मैं सुबह 5 बजे के पहले ही उठ गई थी, क्योंकि जब मैं उठी तो उस टाइम सब जगह अंधेरा ही था। तो सबसे पहले मैं अपना मेन गेट ओपन कर ली। जब मैं उठी तो मेरे साथ खुशी भी उठ गई थी और आज वो हंसते खेलते उठी है, नहीं तो वो जब भी उठती है तो रोती है। सुबह जब भी उठती है तो रोने लगती है, पर आज वो हंसते खेलते, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि आज वो हंसते हंसते उठी है। तो मैं यहाँ पे पर्दा वर्दा सब हटा देती हूँ, खिड़की विड़की सब सारे खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। कपड़े नहीं सूखे थे कल, बहुत सारे कपड़े धोई थी, चादर पिल्लो कवर बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो सबको वॉश करी थी। और जो नहीं सूखे थे बाहर तो सबको मैं रात में अंदर करके इस रूम में ही डाल दी थी, तार पे ही डाल के छोड़ दी थी। और सुबह सुबह सारा बालकनी जो भी है सब कुछ मैं ओपन कर देती हूँ, खोल देती हूँ। और यहाँ पे खुशी कैमरा देख के उछल कूद कर रही थी, पर उसको नहीं पता चल रहा था कि वो कैमरे में आ रही है कि नहीं, तो मैंने इसको पकड़ के और थोड़ा पीछे कर दिया जिससे कि वो दिख रही थी कैमरे में, और वो खुश रहती है। सुबह हंसते खेलते उठती है तो वो खुश रहेगी, और जिस दिन रोते हुए उठेगी उस दिन तो बहुत परेशान करती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं अभी गैस पे बस ऐसे ही पानी डालूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बैठाऊँगी। पहले पानी गर्म करूँगी, दूध गर्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बैठाऊँगी। और कल मैंने बनाई थी चने की सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी रात में गर्म की थी इसलिए वो बाहर ही थी, तो उसको भी मैं गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दूध चढ़ाऊंगी और मैं सब्जी गर्म कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं पानी गर्म करूंगी, पानी पीऊंगी मैं। और यहाँ खुशी को देखिए, मैं जहाँ रहूंगी वो मेरे आगे पीछे करती ही रहती है, चाहे मैं किचन में रहूँ, बालकनी में रहूँ, कहीं भी रहूँ, वो मेरे आगे पीछे घूमते रहेगी। Thank you.
पर आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं गई अंदर टॉवल लाने के लिए, और खुशी को देख लीजिए कि वो पर्दे में ही अपना फेस पोंछ लिए। आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो वो पर्दे में ही पोंछ लिए अपना चेहरा। अगर दादी देखती तो अच्छे से पिटाई करती खुशी की। खुशी कब से बोल रही थी कि मम्मी मुझे सूखा बॉर्नविटा दीजिए, वो सूखा बॉर्नविटा उसको बहुत पसंद है, तो वही मांग रही थी, तो वही मैं उसको दे रही हूँ। सूखा बॉर्नविटा खाना था खुशी को, और वो दूध के साथ तो पीती है, लेकिन ऐसे सूखा भी उसे पसंद है तो वो खाती है। अब मैं कर लूँगी ब्रश, और ब्रश करने के बाद तब फिर मैं पानी गर्म करूँगी और चाय बनाऊँगी। ईशाना का मेडल के लिए वो जगह खाली थी लग रहा, इसलिए वहाँ वो मेडल वहीं पे टांग दिया गया है। और यहाँ पे मैं कुछ नमकीन स्नैक्स निकाल ले रही हूँ, और जो कि चाय से खाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ मेरी दूध गर्म हो गई है और चना भी गर्म हो गया है, और मैं ईशाना के लिए बनाऊँगी टिफिन में नमकीन पराठा। और ये देखिए, खुशी कुछ भी खाती है तो वो बार बार जाती है बेसिन की तरफ हाथ धोने के लिए, हाथ धोएगी मुँह धोएगी और बहुत सारा पानी वहाँ नीचे गिरा देती है, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि पैर वैर ना फिसले। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल लेती हूँ, और खुशी भी आ गई, बोली कि मम्मी हमको भी निकालना है आटा, तो देखिए वो भी निकाल रही है। और यहाँ देखिए मेरी दूध भी गर्म हो गई है, तो दूध हो गया है ऑफ। अब मैं आटा ऐसे सानूंगी, ऐसे सिंपल ही सानूंगी, और ये नमकीन पराठा कुछ अलग तरीके का बनता है, तो इतनी हड़बड़ हो गई थी कि मैं वो शूट नहीं कर पाई। नमकीन पराठा मैं आप लोग को एक दिन दिखा दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ नमकीन पराठा।
आज सुबह ना एक भी कबूतर नहीं आए थे खिड़की पे, फिर भी मैं दाल रख दी और बहुत देर तक भी उन लोग नहीं आए थे। उसके बाद फिर आए कबूतर लोग, आए अपना दाना चुग के गए, दाल खा के गए और दोनों कबूतर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे। तो उन लोग आए बहुत देर से आए आज दाना खाने के लिए। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, पापा जी लोग तो है नहीं, नहीं तो पापा जी लोग को भी मैं जाके दे आती। तो अभी पापा जी लोग नहीं है तो हम दोनों ही पानी पियेंगे और चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी कपड़े मैं रखी थी मशीन से निकाल के वो सबको मैं डाल देती हूँ, ताकि सुबह डालूंगी जल्दी तो वो फटाफट से सूख जाएंगे, उसके बाद उतार के फोल्ड करके रख दूंगी। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े डाल दी हूँ और मेरी चाय भी यहाँ पे देखिए बन गई है। अब मैं फटाफट से झाड़ू घुमा लेती हूँ, झाड़ू बस ऐसे घुमा लूँगी, उसके बाद फिर ईशानों को तैयार करूँगी। और कल देखिए मैं अपना बाथरूम क्लीन की थी, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हुआ है बेसिन बाथरूम और सब। मैं एक ही चीज़ से साफ़ करती हूँ और फटाफट से साफ़ भी हो जाता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, इतना साफ़ सुथरा बाथरूम लग रहा है। तो मैं अपने बाथरूम को इसी तरह से क्लीन करके रखती हूँ। आप लोग को भी जानना है कि मैं अपने वॉशरूम को कैसे क्लीन रखती हूँ, बाथरूम को कैसे क्लीन करके रखती हूँ, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं किस तरीके से अपने बाथरूम को क्लीन रखती हूँ। बेसिन को मैं नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। यहाँ हम दोनों पी लेंगे पानी, उसके बाद फिर हम लोग पी लेंगे चाय। तो मेरे हस्बैंड गर्म पानी नहीं पीते तो फिर मैं उनको नॉर्मल पानी ही दी और अभी यहाँ चाय छान के लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपनी चाय पी ले रहे हैं, उसके बाद ईशाना भी उठ गई है, ईशाना भी बैठी हुई है। तो जब हम लोग चाय पी रहे थे तो उस वक्त 6:15 हो रहा था, तो फिर मैं फटाफट से, ईशाना चली जाएगी नहाने के लिए तो मैं फटाफट से उसके लिए पराठा बना दूंगी और ब्रेकफास्ट करके उसको तैयार करके मैं स्कूल भेज दूँगी।
नहाना चली गई थी स्कूल और सबका नहाना हो गया था। मैं भी नहा के पूजा कर ली थी और देखिए मैं छोटी वाली बाबू को सुला भी दी हूँ खिला पिला के। और अब मैं दोपहर का लंच बना लेती हूँ। तो दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ चावल दाल और आलू का भुजिया। तो आज का लंच यही है सिंपल सा। और जो हेल्पर है वो काम करके चली गई हैं। तो मैं बर्तन अभी नहीं हटाई हूँ क्योंकि आवाज़ हो रहा था तो ईशा ये इशिका फिर उठ जाती है, इसीलिए मैं अभी नहीं हटाई हूँ बर्तन। यहाँ मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके अपना पानी पी ले रही हूँ। तो देखिए सुबह के वक्त तो मैं खिड़की खोल दी थी और अब दोपहर में गर्म हवा आती है तो इसलिए मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। यहाँ मेरी भुजिया भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है तो नमक ऐड करना था वो भी मैंने ऐड कर दिया और चावल भी अब मिला दूँगी। और तो फटाफट से चावल भी मेरी बन जाएगी। और मशीन में मैंने धो लिए थे कपड़े, जो आज सबके कपड़े निकले थे नहाने वाले तो सब मैंने धो लिए थे। तो जो कपड़े मैंने धोए थे वो सारे कपड़े को मैं डाल देती हूँ और जो कपड़े सूख गए थे वो सबको उतार के मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, फटाफट से भी हो जाएगा। और ये चादर इतना मोटा है ना कि 2 दिन लग रहा है इसको सूखने में, क्योंकि उतना प्रॉपर धूप यहाँ लग ही नहीं रहा है कि वो आराम से सूख जाएगा। हल्के कपड़े तो आराम से सूख जा रहे हैं पर वो चादर ही नहीं सूख पा रहा है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े डाल दी हूँ और जो सूखे थे सबको उतार के रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा खाना बनके रेडी है और बस इंतज़ार हो रहा है कि बच्चे बेटी जब आ जाएगी तो मैं सबको खाना सर्व करूँगी। तो खाना खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए और जाने के लिए खड़गपुर।